आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को सीतापुर के दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री आजमखोर कुत्तों के हमले में मारे गए बच्चों के परिजनों से मिलने उनके गांव भी पहुंचे। साथ ही कुत्तों द्वारा घायल किए गए बच्चों का हाल जानने के लिए जिला अस्पताल का भी दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर लोगों को इस मामले में जागरूक करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुत्ते पालतू न होकर खूंखार हैं, इनकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के अलावा मथुरा, बरेली व लखनऊ की टीमें नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए का अनुदान तथा घायलों को 25-25 हजार रुपए देने की घोषणा की है। लॉ एंड ऑर्डर के पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। कासगंज और इलाहाबाद की घटनाएं दुखद है, इन्हें राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इस संबंध में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मई के बीच में यहाँ पर खूंखार कुत्तों के कारण 12 मासूम बच्चों की मौतें हुई हैं और 9 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यद्यपि जिला प्रशासन ने इसके बारे में पहले से ही अपनी कार्रवाई प्रारंभ की है, बीच में मैंने स्वयं प्रभारी मंत्री को यहाँ भेजा था। बरेली, मथुरा और लखनऊ से अलग अलग टीमें भी यहाँ पर आई थी। पूरे क्षेत्र का उन्होंने सर्वे किया। मैं स्वयं भी आज ये गांव का, जहाँ पर 2 बच्चों पर कुत्तों ने हमला करके उन्हें मार डाला था, उन परिवारजनों से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केकेडी न्यूज़ और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।